तो भाई लोग, मैं हूँ काशिफ और आप देख रहे हैं फिल्मी काशिफ। आज हम बात करने वाले हैं टाइगर थ्री की। टाइगर थ्री सलमान खान के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है दोस्तों। अगर भाई ये फिल्म चली गई ना दोस्तों, सलमान खान का करियर दोस्तों लटक सकता है। फिलहाल दोस्तों ऐसा इम्पॉसिबल है। आज हम इसके कलेक्शन प्रेडिक्शन करने वाले हैं 10 दिन के। आपको बताऊंगा भाई कितने कितने दिन दोस्तों, जितना बड़ा इसका हाइप है इतना बड़ा कलेक्शन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए चैनल सपोर्ट करें। दोस्तों आप सबको तो पता है कि टाइगर थ्री का बस दोस्तों ऐसा है भाई, एक बार फिल्म रिलीज़ हो जाए उसके बाद दोस्तों पूरी हिंदी ऑडियंस भाई थिएटर के बाहर खड़ी होगी। गली मोहल्ले में जहाँ पर भी थिएटर होंगे वहाँ पर भाई भड़कम मच जाएगा दोस्तों। जवान वाला हाल आपको देखने को मिलेगा। इस कदर दोस्तों सलमान खान का भी क्रेज़ देखने को मिलता है हिंदी ऑडियंस के खिलाफ दोस्तों। बाकी साउथ तमिल दोस्तों वहाँ पर तो ऑडियंस थोड़ी अलग है, वहाँ की ऑडियंस दोस्तों अपने हीरो को पसंद करती है। कई सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल करते हैं भाई अपना शेयर अपने ही इलाके में दहाड़ता है दोस्तों। तो भाई इसका जो पहले जिस दिन जो कमाई हो सकती है दोस्तों इतना बड़ा क्रेज़ देखकर मेरा प्रेडिक्शन ये है। बाकी आपका प्रेडिक्शन क्या, पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि दोस्तों इतना कमा भी सकती नहीं कमा सकती। तो भाई पहले दिन जो कमाई करेगी वो करेगी दोस्तों 65 करोड़ रुपये की, क्योंकि भाई इसकी जो ओपनिंग एडवांस बुकिंग होने वाली है कम से कम 50 करोड़ की, तो इसकी एडवांस बुकिंग हो जाएगी मतलब 40 से 45 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो जाएगी। इसी हिसाब से कलेक्शन मैंने बता दिया दोस्तों। बाकी जो टिकट प्राइस है वो दोस्तों मैंने 300-250 से लेकर 300 करोड़ रखा है। बाकी इसके 400-500-600 करोड़ भी बिकते हैं, मतलब ये इसका फर्स्ट डे कलेक्शन काफ़ी तगड़ा भी जा सकता है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से रखा है 65 करोड़ रुपये। दूसरे दिन जो कमा सकती है वो कमा सकती है 70 करोड़ के आसपास दोस्तों। अगर फिल्म अच्छी हुई तो भाई साहब, अगर फिल्म का मतलब लोगों को पसंद आई, अच्छा रिव्यू आया तो 70 करोड़ भी कमा सकती है। और तीसरे दिन जो कमा सकती है वो कमा सकती है दोस्तों 65 करोड़ रुपये, 60 से 65 करोड़ रुपये। चौथे दिन जो कमा सकती है वो कमा सकती है भाई साहब दिवाली के दिन यहाँ पर 75 करोड़ से लेके 80 करोड़ तक कमा सकती है भाई साहब, 80 करोड़ तक। क्योंकि भाई फिल्म अच्छी हुई ना मतलब 100 करोड़ भी मार सकती है, मतलब मैं 75 से 80 करोड़ रख रहा हूँ। और जो पाँचवें दिन जो कमा सकती है दोस्तों वो कमा सकती है 50 करोड़ से लेके 55 करोड़ के बीच में कमा सकती है। और छठे दिन जो कमा सकती है भाई साहब वो कमा सकती है 40 करोड़ से लेके 50 करोड़ के बीच में कमा सकती है, 10 करोड़ का अराउंड रख रहा हूँ दोस्तों, 100% वहीं कमाएगी। वो जो सातवें दिन जो कमा सकती है वो कमा सकती है दोस्तों भाई 40 करोड़ से लेकर 45 करोड़ के बीच में। आठवें दिन जो कमा सकती है वो कमा सकती है 30 करोड़ से लेकर 35 करोड़ के बीच में। नौवें दिन जो कमा सकती है दोस्तों वो कमा सकती है भाई साहब 40 करोड़ से लेकर 45 करोड़ के बीच में। और जो दसवें दिन जो कमा सकती है वो कमा सकती है भाई साहब 40 करोड़ से लेकर 45 करोड़ के बीच में। इसी हिसाब से इसका टोटल जो एक 10 दिन का जो कलेक्शन निकल कर सामने आ रहा है दोस्तों वो आ रहा भाई 650 करोड़ से लेकर 700 करोड़ के बीच में। भाई फिल्म का इतना तगड़ा हाइप देखकर मैं ऐसा बता रहा हूँ दोस्तों, कई सारे लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, इतना बस भाई टाइगर थ्री का, क्योंकि भाई टाइगर जिंदा है। टाइगर दोस्तों इतनी बड़ी हिट नहीं हुई थी दोस्तों, मतलब अपने हिसाब से उस ऑडियंस के हिसाब से बहुत बड़ी मेगा ब्लॉकबस्टर हुई थी, लेकिन भाई आज की जो ऑडियंस है 500 करोड़ का क्लब खोलना हर फिल्म को दोस्तों, जब तक कोई फिल्म बड़े स्टार के 500 करोड़ में नहीं घुसेगी वो फिल्म दोस्तों हिंदी ऑडियंस भाई हिट नहीं मानती है। तो भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि टाइगर थ्री कितने कमा सकते हैं कलेक्शन। मेरे हिसाब से भाई ये 550 से लेकर 600 करोड़ के बीच में हिंदी वर्जन में आसानी से खुद जाएगी दोस्तों, आसानी से। उसके बाद टाइगर वेस, पठान वार, पठान टू, टाइगर फोर दोस्तों आने वाली है जो कि भाई बहुत बड़ी मेगा ब्लॉकबस्टर होगी। इसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि टाइगर थ्री हिंदी नेट कलेक्शन कितना कर सकती है दोस्तों, क्योंकि जवान का भाई 600 करोड़ में घुस चुकी है। आपका इस बारे में क्या कहना कमेंट बॉक्स में बताएं। सलमान खान के फैंस हो तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, नए चैनल सपोर्ट करें।